नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी। अनंतनाग में मुठभेड़ में हिजबुल का एक आतंकी ढेर। क्रॉस फायरिंग में आम नागरिक की भी मौत। विदेश नीति पर सुषमा स्वराज को आज राज्यसभा में घेरेगा विपक्ष। सुषमा पर सदन को गलत सूचना देने का है आरोप। आज विपक्ष ला सकता है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव। कर्नाटक के मंत्री डीके शिवकुमार के ठिकानों पर आज तीसरे दिन भी आयकर विभाग के छापे जारी। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में की जा रही है छापेमारी। कल भी दिल्ली और कर्नाटक के ठिकानों पर पड़ी थी रेड। पीएम मोदी ने आज दिल्ली में बुलाई एनडीए नेताओं और सांसदों की बैठक। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू को सक्रिय राजनीति से दी जाएगी विदाई। नायडू के किताब का भी होगा विमोचन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज जाएंगे राजस्थान और गुजरात। बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। राहत शिविरों में जाकर हालातों का लेंगे जायजा। चिंकारा मामले से जुड़े आर्म्स एक्ट केस में आज जोधपुर कोर्ट में पेश होंगे सलमान खान। सुबह 11 बजे होगी सुनवाई। सलमान के मुंबई से रवाना होने की खबर। लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे गायक यशवर डाली। लड़की की शिकायत पर यश गिरफ्तार। आज होगी कोर्ट में पेशी। चोटी कांड में बड़ा खुलासा। गोरखपुर में लड़की ने तांत्रिक के कहने पर खुद काटी थी चोटी। आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार। डोकलाम विवाद पर चीनी सेना की भारत को धमकी। कहा बर्दाश्त की भी होती है हद। चीन की क्षमता को कमाकने की भूल ना करे भारत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।